देख रहे हो, सुबह सुबह हमें कबूतर ने दर्शन दिए, अंदर कमरे के अंदर तक आ गया, पंखे पे आराम से बैठा हुआ है। तो ऊपर के घरों में यही है, कबूतरों का ज़रा ज़्यादा जोर है, अनचाहे मेहमान है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं हुई हूँ रेडी और आज फिर मुझे जाना है बाहर जल्दी, तो बस निकलते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं बस दूध ले रही हूँ आज, और फटाफट से निकलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा ना लेट हो गए हैं। तो मिलते हैं बाहर, आज तो बाहर ही रहेंगे। तो रास्ते में देखा, अभी से रावण वगैरह बनने शुरू हो गए हैं दशहरे के लिए, और मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे ना 100% में से 99% सारे मुस्लिम्स होते हैं। तो जी आज मेरा यहाँ पे काम फाइनली निपट गया, जब मैं हॉस्पिटल से फ्री हो गई हूँ, मेरा सारा काम हो गया है। तो हस्बैंड आते हैं ना तो थोड़ा लाइन लग जाती है, लाइन में वो एडजस्ट कर देते हैं, वरना नॉर्मली तो अगर लाइन से मैं लगूंगी तो नंबर मेरा नहीं आता, बट ये अपना कार्ड वगैरह दिखा देते हैं तो उससे काम चल जाता है। बस जी अब जाऊंगी घर। देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बाहर से तो बहुत अच्छी है लेकिन अंदर फैसिलिटी बिल्कुल ना के बराबर फैसिलिटीज़ है। और जी वो आ गए हमारे हस्बैंड, मुझे उनके पीछे पीछे भागना है, चल नहीं जाती हूँ मैं, छोड़ के चला जाएगा वरना वो मुझे। हॉस्पिटल से मैं हो गई थी जल्दी से फ्री, तो इन्होंने कहा मेट्रो छोड़ देता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे राजीव चौक तक ले चलो, और आज मंगलवार था तो हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं और साथ में कराती हूँ आपको भी दर्शन। कनॉट प्लेस में हनुमान जी का बहुत बड़ा प्यारा मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, तो बस दर्शन करते हैं। मज़ा बहुत आया, बहुत दिनों बाद आई हूँ, ना जाने कितने महीनों बाद आई हूँ। तो जी हनुमान मंदिर के साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित हैं, भगवान स्थापित हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण, पंचमुखी हनुमान जी, किशन जी, लक्ष्मी नारायण और सरस्वती, लक्ष्मी गणेश, संतोषी माता, प्लस पीछे की तरफ बहुत ही प्यारा शिवलिंग विराजमान है। तो वहाँ भी हमने जल चढ़ा दिया, आए थे तो मॉर्निंग में, और बस हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे, जयकारा वीर बजरंगी के जयकारे गूंज रहे थे, बालाजी महाराज के जयकारे गूंज रहे थे, और हमने भी दर्शन किया, जयकारे लगाए और भगवान जी को प्रणाम किया कि भगवान सबकी झोलियां भरें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैं आ गई हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, और बस यहाँ से हमारे घर के लिए सीधी मेट्रो है, तो मेट्रो में घर पहुँचेंगे। तो घर आके मैं बहुत थक गई थी, बाहर आजकल जाती हूँ ना तो सिर में बहुत दर्द होता है, और मॉर्निंग में मैंने देखा था सुबह फूल खिले हुए थे, तो बस जल्दी जल्दी थी, पानी डाल के मैं सीधा चली गई। अब मैं आई हूँ शाम को ऊपर पानी डालने के लिए, और बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे, ये देख रहे हो आप, ये सिंगल वाला, ये हाइब्रिड वाले नहीं है, जो कबूतर लाए थे ना वो मैंने लगा दिए थे। तो तीन मॉर्निंग में सुबह ये फूल खिले थे, प्लस ये पीले रंग का भी खिला था इसमें पर्सलिन में, और ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे बस पर्पल वाला है ना, ये मजंटा वाला, तो सिंगल पत्तियों वाला है, चार पांच पत्तों का, और बहुत प्यारा लग रहा था। तो वो जल्दी बंद हो गया है, 4 बजे तक बंद हो गया देख लो, और बाकी के मजंटा वाले तो खिले हुए हैं। प्लस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ये सर्फ का पानी, रीज़न ये है कि मैं इनमें डाल के देखती हूँ, क्योंकि वाइट बग्स जो है ना, बग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उससे प्रॉब्लम हो रही है कि वो आगे पेड़ों को चलने नहीं देंगे, है ना। तो मैं ये डाल के देखती हूँ, अगर इससे काम नहीं चलता है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और डालूँगी। देखो चींटियाँ दिख रही हैं आपको, सारे में चिटी चिटी हो रही हैं, और कलियों में स्पेशली कलियों को खा रही हैं, कलियों में कर रही हैं,
तो उससे फूल नहीं खिले, कलियां, वैसे सब में कलियां आ गई हैं, बहुत सारी कलियां हैं। तो अभी तो मैं नहीं छेड़ूंगी जब तक फूल खिलते हैं, बाद में देखते हैं क्या करते हैं। तो ये मैं छिड़क देती हूँ पानी। इसके बाद अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ मेरा मिलीबग, तो फिर मैं ना इस पर राख डालूंगी या फिर हल्दी का पानी भी बता रहे हैं, तो देखते हैं कुछ कंट्रोल होती है या नहीं होती है। ये डाल देते हैं। अभी ना मौसम तो इसका नहीं है, बट धूप में रख दिया है, तो उससे क्या हुआ है मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें ना सारे में ना मोटी मोटी कलियाँ आ रही हैं, तो मैं अभी इसको नहीं छेड़ूंगी। बेशक ये हाइब्रिड के नहीं निकले मेरे, लेकिन फिर भी मैं इनको, देखो ये रहा ना मिली बग, ये देखो ये है, दिखाते हो, ये देखो, तो ये ऐसा है। और बस अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, इनमें सब में कलियां आ गई हैं। बाकी मैं इनकी काट के, अभी इनकी ना कलम भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे हर उसमें दिख रही हैं कलियां, दिख रही हैं आपको, ये देखो है ना, तो बहुत से भी इनमें आ गई है और इनमें भी आ गई है, जो पल सेन है ना इसमें भी हैं कलियां। तो बस ये देखो ये है ना, तो मे बी इनमें खिलेंगे, कलरफुल भी खिलेंगे इसमें। ये तो खैर ना कुछ कबूतर ले आए थे अपने घोंसले में और वो नीचे गिर गए थे, तो मैंने वो लगा दिए थे। ये है नॉर्मल वाला सिंगल, बट फिर भी अच्छा लग रहा है यार खाली गमले से। तो ये तीन खिले थे, एक दो और एक तीन, और ये खिला था पीला, लेकिन मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन 100% इसमें ना देखो और भी कलियाँ हैं, चार पाँच कलियाँ हैं इसमें, और कल खिलेगा। बस सिंपल इसके जैसे ही है, बिल्कुल ऐसा है, बट पीला है सिंगल फूल का, लेकिन अच्छा लगा। तो जी बस मैं आई थी ऊपर, सोचा मैं ये बता दूँ आपको। तो जी बस रात का खाना हो गया है, और देख रहे हो आप बर्तन कितने सारे मेरे बर्तन हैं। बस अब मैं ये काम करने आई हूँ किचन में, तो फटाफट से किचन क्लीन कर देती हूँ, और इसके बाद भी दो चार मेरे काम हैं वो ख़त्म करूँगी फटाफट से, और फिर सोऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अब आजकल बाहर जाती हूँ ना तो सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, और कॉम्बिफ्लेम भी खाई है सो उससे भी बिल्कुल भी आराम नहीं है। लेकिन वही है, घर का काम तो ख़त्म करना ही है, तो फटाफट से ख़त्म कर देते हैं, अदरवाइज़ कल के लिए डबल काम हो जाएगा, और कल भी मुझे हॉस्पिटल जाना है। हमारे पुराने घर से भी सामान आ ही रहा है, और दो दिन पहले आए थे डिब्बे, बट मैं धो नहीं पाई थी, तो बस इन डिब्बों को धोऊंगी। तो गंदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने पानी डाल के छोड़ दिया है, और 10 मिनट बाद मैं इनको धोऊंगी। तो जी बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय।